टोंक के देवली में एवन टीवी की मुहिम रंग लाई है। एवन टीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद जिला कलेक्टर ने अप डाउन करने वाले कर्मचारियों पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि देवली से टोंक और टोंक से देवली अप डाउन करने वाले कर्मचारियों से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा था। इसको लेकर कलेक्टर ने कर्मचारियों को अपने अपने मुख्यालयों पर रहने के लिए पाबंद किया है। साथ ही अवहेलना करने पर संबंधित कर्मचारी को क्वारंटाइन करने की चेतावनी दी है। इसके अलावा कर्मचारी पर डिजीज एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे देवली शहर के लोगों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है। देवली के लोगों को आशंका सताई जा रही है कि कहीं देवली में भी कोरोना वायरस ने दस्तक तो नहीं दे दिए। हालांकि देवली के लिए रात की खबर है कि टॉप कलेक्टर ने अपडाउन करने वाले कर्मचारियों पर रोक लगाकर उन कर्मचारियों को अपने अपने मुख्यालय पर रहने के लिए पाबंद किया है। इस संबंध में एवन टीवी ने लगातार खबरें चलाकर अपडाउन करने वाले कर्मचारियों पर रोक लगाने के लिए मुहिम चलाई थी। इसके अलावा देवली से टोंक, टोंक से देवली खाद्य सामग्री की आपूर्ति करने वाले वाहन चालक भी कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बन सकते हैं। गत दिनों टोंक के धन्ना तलाई क्षेत्र से दो ट्रक चालक देवली की किसी मंडी में गेहूँ लेने आए। धन्ना तलाई वो क्षेत्र है जहाँ गत दिनों कोरोना संदिग्ध लोग पाए गए। इसके अलावा देवली के नेगडिया व राजमहल क्षेत्र से प्रतिदिन सब्जियां वाहनों में भरकर टोंक ले जाई जा रही है। इन वाहनों का आना जाना कोरोना संक्रमण का खतरा बन सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासन को इस पर नज़र रखते हुए ठोस कदम उठाने होंगे। मनीष बागड़ी एवं